हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। हम जा रहे हैं उदयपुर। फिलहाल अभी हम एयरपोर्ट पे हैं। मैं आया हूँ एक्चुअली डेढ़ साल के बाद में। हाँ, राइट। 220 का है, 215 का फ्लाइट है हम लोग का, और अभी हम लोग आए 12 बजे, ढाई घंटा पहले आ गए। एकदम ही खाली मिला हम लोग को एयरपोर्ट, बहुत खाली मिला। मतलब हम लोग जैसे ही पहुंचे, हम लोग का विद इन 20 मिनट्स हम लोग का सारा प्रोसेस हो गया, चेक इन करके हो गया, फिर जो सिक्योरिटी था वो भी क्लियर करके हो गया, एकदम स्मूथ। लास्ट टाइम जब मैं गोवा बाई फ्लाइट आ रही थी तो बहुत ज्यादा भीड़ था, मतलब इसने फ्लाइट छूट रहे थे। हाँ, इसने बोला कि लोग दो दो घंटा पहले आके भी उनके फ्लाइट छूट रहे थे। हाँ। तो हम लोग वो पॉइंट ऑफ व्यू से आए, बट आई गेस इस बार इतना रश नहीं है, एकदम खाली है, तो हम लोग इजीली चेक इन कर पाए। ये 500 रुपए का। हाँ, बट बाकी सारी चीजों से तो सस्ता है ना। हाँ, बाकी सारी चीजें एक्सपेंसिव है, यही उसमें का सस्ता है। 500 नहीं है, 400 रुपए का है, वो भी कॉम्बो है वो ना। हाँ। उसमें मसाला डोसा, इडली, वड़ा और आपका फिल्टर कॉफी। जितने भी बार यहाँ पे एयरपोर्ट में आई हूँ ना, स्पेशली इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, तो हम लोगों ने वांगो करके साउथ इंडियन रेस्टोरेंट है वहाँ, यहाँ पे वहीं से हम लोग खाते हैं, क्योंकि एक तो थोड़ा सा कंपेरेटिवली बाकी सारी चीज़ों से हेल्दी है और थोड़ा सा रीजनेबल भी है, तो ये बेटर ऑप्शन है, क्योंकि 400 रुपये में काफ़ी अच्छा पेट भी भर जाएगा, उसमें इडली वड़ा डोसा है। तो बाकी सारा KFC पिज़्ज़ा ऐसे अनहेल्दी चीज़ें है, और बाकी के जो थोड़े से हेल्दी है वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है। तो खा पी के हमारा हो चुका है, और बोर्डिंग के लिए और हमारे पास हाफ एन आवर है, बट हमने सोचा गेट के यहाँ पर चले जाते हैं, क्योंकि हम लोग लास्ट टाइम पे हम लोग जब कर्नाटका गए थे तो ऐसे ही हुआ था, हम लोग 1-1.5 घंटा पहले आ गए थे, बट ऐसे ही खाते बैठे, और उसके बाद में हम लोग को समझे कि वो हम लोग का अनाउंसमेंट हुआ है कि जल्दी आ जाओ, तो उससे बेटर है कि हम लोग यहाँ पे ही आ जाए। तो गाइस, मेरे पास आप सभी लोगों के लिए एक टिप है। अगर आप अपना कोई भी ट्रैवल बाय फ्लाइट प्लान कर रहे हो, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि एटलीस्ट 2 या 1.5 महीने पहले उसका बुकिंग कीजिए, ताकि आपको थोड़ा सस्ते में फ़्लाइट्स मिलेगा। मैंने भी इस ट्रिप के लिए सेम किया था, मैंने इस उदयपुर के फ़्लाइट की टिकट्स बुक की थी 1.5 महीने पहले, इसलिए मुझे सिर्फ 13,000 में उदयपुर का रिटर्न फ़्लाइट्स मिला है, वो भी 2 लोगों का, जिस इंश्योरेंस है, फिर फ़्लाइट कैंसिलेशन है, ये सारे चार्जेस उसमें इंक्लूडेड है, जो कि काफ़ी अच्छा डील है, क्योंकि मैंने इसे किया था वीगो ऐप से। वीगो ऐप का सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि आपको डिफरेंट वेबसाइट से रेट कंपेयर करके आपको चीपेस्ट रेट बताता है, और इससे आप सिर्फ फ्लाइट टिकट से नहीं, बट होटल्स और IRCTC ट्रेन बुकिंग्स भी कर सकते हो, यानी कि एक ही ऐप से सारे आपके ट्रैवल बुकिंग्स हो जाते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा सॉर्टेड है। इस ऐप का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, तो आप इसे ज़रूर डाउनलोड कीजिएगा आपकी नेक्स्ट ट्रैवल बुकिंग्स के लिए। बाय द वे, आप लोगों को पता ही होगा कि अभी फ़िलहाल फिर से कोविड के केसेस बहुत ही ज़्यादा आ रहे हैं, स्पेशली मुंबई में, तो आप सब लोगों को ये जानना रहेगा कि क्या एग्जैक्टली रूल्स है उदयपुर जाने के लिए। तो उदयपुर में ज़्यादा कुछ रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, आपके पास दोनों वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट होना चाहिए, यानी कि आप फुल्ली वैक्सीनेटेड होने चाहिए, या फिर अगर आपका एक ही वैक्सीनेशन हुआ है, मतलब एक डोज हुआ है, तो आपको RT-PCR करना कंपलसरी है। जिसके दोनों भी डोजेस हुए उसको RT-PCR करने की ज़रूरत नहीं है, तो हमने भी सेम किया। और जैसे ही एयरपोर्ट में आप एंटर करते हो, आपको नॉर्मल आपका ID कार्ड दिखाना है, और अंदर आते समय आपको फ़्लाइट के डिटेल्स पूछे जाते हैं, IM guessing इनकेस अगर हमें कोविड हो जाता है तो उस केस को ट्रैक करने के लिए। तो काफ़ी प्रिकॉशंस लिए जा रहे हैं एयरपोर्ट पे भी, फिलहाल भीड़ भी कम है एयरपोर्ट पे मेरे हिसाब से कोविड केसेस की वजह से। कैसा लग रहा है आपको, आप 1.5 साल के बाद फ़्लाइट ले रहे हो और आपको फ़्लाइट इतना पसंद भी नहीं है? आज वेदर अच्छा लग रहा है, मुझे इसके लिए नहीं पसंद क्योंकि टर्बुलेंस बहुत ज़्यादा होता है ना, उस रीज़न से, अगर टर्बुलेंस नहीं रहेगा तो सॉर्टेड है। और आज का बेस्ट पार्ट ये कि ज़्यादा यहाँ पे रश नहीं है, तो फिर वर्थ इट है एयरपोर्ट आना। रश रहता है तो ऑलरेडी इतना ट्रैवल करके मुंबई आओ और फिर फ्लाइट में बैठो, तो वो इरिटेटिंग होता है, बट आज एकदम स्मूथ था तो कोई प्रॉब्लम नहीं। एक और रीज़न है ना, आपको फ़्लाइट नहीं पसंद है क्योंकि यूजुअली हमारे पास इक्विपमेंट बहुत ज़्यादा होता है, तो चेक इन के टाइम मतलब सिक्योरिटी के टाइम पे बहुत इश्यूज होता है। आज का आपका कैसा था? आज क्योंकि सिर्फ ये कैमरा लिया था मैंने, और लैपटॉप भी कैमरे के बैग में ही डाल दिया है, तो ओवरऑल सॉर्टेड था, कम इक्विपमेंट है तो कोई इशू नहीं, पर ड्रोन वोन होता है तो बहुत प्रॉब्लम होता है। लास्ट टाइम याद है आपको, हम गोवा जा रहे थे तभी आइलैंड की उन्होंने ले लिया था, वही यही सब प्रॉब्लम होती है, उसी रीज़न से मुझे फ्लाइट से ट्रैवल करना नहीं पसंद, बट अगर ऐसे ही नॉर्मली ट्रैवल कर रहे तो फायदा है, फटाफट पहुंच जाते हैं, तो वो एक अच्छा चीज़। मुझे तो फ्लाइट्स बहुत ज़्यादा पसंद है, और एनी डे मैं
ट्रेन के जगह पे फ्लाइट को प्रेफर करूँगी, फ्लाइट या फिर कार। बोर्डिंग स्टार्ट हो चुका है, मुझे लगा कि एंड मोमेंट तक मतलब हाफ एन आवर पहले ही होगा, बट बराबर उन्होंने एक घंटे पहले बोर्डिंग स्टार्ट कर दिया है, थैंक गॉड। अभी फ्लाइट में वेट करना पड़ेगा। सर लग रहा है कि फ्लाइट पूरा फुल नहीं होने वाला है, जिस हिसाब से कम भीड़ दिख रही है उस हिसाब से मुझे लग रहा है 9A और B। और हमने एयर इंडिया में फ्लाइट बुक किया है। एयर इंडिया का सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि इसका जो लेग रूम नहीं, खाना नहीं मुझे लगा खाना खाना भी अच्छा पार्ट है, क्योंकि यहाँ का जो खाना है वो ताज से आता है। दूसरी अच्छी बात ये है कि जो लेग रूम है वो काफ़ी अच्छा मिलता है, जो भी डोमेस्टिक फ्लाइट है और जो बोलते हैं ना अफोर्डेबल जिसके रेट्स होते हैं, जैसे कि इंडिगो हो गया, गो एयर हो गया, उन सब में से अगर आप कंपेयर करोगे तो एयर इंडिया का लेग रूम सबसे अच्छा है। तुझे क्या चाहिए लेग रूम? हाँ बट आपको तो लगेगा ना, देखो ना कितना अच्छा है, नहीं तो इधर लेग रूम है एक्चुअली, आगे की सीट पे आपका पैर लगता है ना, दिखा था इनफ है ना, इनफ स्पेस है यस। कैसा लग रहा है और तेरे को ज्यादा स्पेस मिल के? बहुत अच्छा लग रहा है एक्चुअली। वन ऑफ द फ्लाइट अटेंडेंट जो है इस फ्लाइट में वो हमारे सब्सक्राइबर है, तो उन्होंने हमें जस्ट एक अपग्रेड दे दिया, सो बहुत अच्छा लग रहा है। ये फर्स्ट टाइम है मेरा ये वाले सीट में, ये तो काफी ज्यादा जगह है। Ladies and gentlemen, welcome to Raipur Maharana Pratap Airport. The outside temperature is 26 degrees Celsius. पहुंच गए उदयपुर। वहाँ से लेट निकले मुंबई से, बट यहाँ पर टाइम पर पहुँच गए, सिर्फ 5 मिनट्स लेट था। अभी हम लोग रुके हैं बैगेज के लिए, और एयरपोर्ट बहुत ही छोटा और क्यूट है। तो अभी हमने ओला बुक किया है हमारे होटल के लिए, और हमारा होटल है यहाँ से 26 किलोमीटर, मतलब हम लोग को वहाँ पर पहुँचने के लिए लगभग एक घंटा तो लगेगा ही, है ना? अपने को मुंबई से उदयपुर आने के लिए लगा ही होटल पहुंचने के लिए। ये ओला और उबर का जो प्रॉब्लम है सब जगह पे हम लोग फेस कर रहे हैं। आज सुबह भी हमारे साथ सेम हुआ और अभी भी सेम हो रहा है। जब भी हम लोग बुक करते हैं उसके बाद ड्राइवर का फोन आता है और वो बोलता है कि सर आप कैश में, सर या मैम आप कैश में दे दीजिए पैसे, और आपका राइड जो है वो कैंसिल कर दिया। किधर उसने कैंसिल कर दिया? नहीं है, हाँ, नहीं है ना, अभी कैश से ड्राइवर। सुबह जैसा ही ना मुंबई जैसा ही इश्यूज हो रहा है, ये क्यों कैश में मांगते मेरे को समझा नहीं बट ऐसा क्यों चल रहा है। तीसरा राइड हम लोगों ने बुक किया है, तो अभी तीसरा वाला भी यही बोल रहा है कि 489 दिखा रहा है ओला से, मतलब 500 के आसपास, बट सब लोग 700 बोल रहे हैं, और बोल रहे कि ओला का टेक्निकल एरर है, तो ओला वाले ने देखना चाहिए अगर ये सच में टेक्निकल एरर है तो, क्योंकि अपन यहाँ पे आके 200 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं, जो कि सेंस नहीं बनता ये ओला और टैक्सी वाला का। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि इनका यहाँ पे यूनियन है और उन्होंने मेक श्योर किया कि 700 के ऊपर, 700 के नीचे कोई नहीं जाएगा, जो कि गलत है मेरे हिसाब से। अगर ओला वाला में से कोई देख रहा है तो आप देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, क्योंकि मतलब ये ऐसा हो गया कि अपन ओला से बुक कर रहे हैं और फिर भी उनको अलग से पे कर। यहाँ पे मस्त ठंडी भी है, 26 डिग्री है अभी फिलहाल, और ठंडा लग रहा है अच्छा खासा। अच्छा हुआ हम लोग ने स्वेटर वगैरह लाए प्रॉपरली, नहीं तो फुल वाट लग जाती थी। अभी कितना बजा है? 4:30 बजा है, बट मस्त ठंडा ठंडा है। सो अभी हम लोग होटल पहुँचे गए, अपने एंट्रेंस देखा, और जो किंजल ने रूम बुक किया है वो काफ़ी डिफरेंट है, आपको किंजल ही दिखाएगी। ऐसा रूम हमने आज के पहले कभी बुक नहीं किया, जो उसका डिज़ाइन है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। ये डोर भी आपको दिख रहा होगा, ब्लू कलर का डोर है। अभी अंदर लेके चलते हैं आपको। सो ये एंट्रेंस है, मतलब जो डोर है उसके पीछे वाले वॉल पे उन्होंने बर्ड पेंट किया है। इस रूम का मुझे सबसे अच्छा लगा इसके वॉल्स, क्योंकि इस पे ब्रिक्स का पूरा टेक्सचर है और वाइट कलर के वॉल्स है, और वॉल्स के कुछ कॉर्नर्स पे ना उन्होंने पेंटिंग्स किए हुए हैं, प्लांट्स है, फिर बर्ड्स का पेंट किया हुआ है उन्होंने, आपको मेरे पीछे दिख रहा होगा स्वान उन्होंने पेंट किया, इसके वजह से पूरा रूम है ना बहुत कलरफुल और वाइब्रेंट दिख रहा है। और रूम का जो साइज है वो काफ़ी बड़ा है, आप लोगों को दिख ही रहा होगा, उन्होंने डिफरेंट टाइप के 3-4 ऐसे टेबल्स रखे हैं, उन्होंने इसे रॉ वुड को यूज़ करके बनाया है, इसकी वजह से बहुत ही अलग वाइब्स आ रहा है पूरे रूम में। ये कबर्ड एरिया है जो कि ओपन कबर्ड है, यहाँ पे आप, यहाँ पे डेस्क है जहाँ बैठ के काम कर सकते हो, कॉफ़ी की सारी चीज़ें रखी हुई है। अभी मैं लेकर चलती हूँ आपको वॉशरूम, वॉशरूम भी काफ़ी बड़ा है।
ये पूरा वॉशरूम का स्पेस है, काफी अच्छा है। यहाँ पे टॉयलेटरीज उन्होंने कुछ दी हुई है और ये शार एरिया है। इसके बाद इस रूम में गैलरी भी है। ये गैलरी है, बहुत अमेजिंग रूम है, मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। सो हमने बुक किया है स्वीट कैटेगरी का रूम जिसका कॉस्टिंग है 5000 रुपीज़ पर नाइट, जो कि बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है क्योंकि 5000 में किधर भी आपको स्वीट कैटेगरी का रूम नहीं मिलेगा। इससे कम कैटेगरी वाले रूम्स भी है यहाँ पे जो कि अराउंड 3000 पर नाइट में आपको मिल जाएंगे। ये बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल और बहुत ही डिफरेंट टाइप का होटल है, इस वजह से मैंने इसे प्रेफरेंस देके इसे बुक किया। और इसे ढूंढने में मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगा, लिटरली मैं 3 से 4 दिन सारे ऐप्स ढूंढ रही थी, सब देख रही थी, तब जाके मुझे ये इतना अच्छा रूम और इतनी अच्छी डील के साथ मिला। तो आप लोग सोच रहे हो कि उदयपुर आके लेक के साइड का होटल क्यों नहीं बुक किया, तो उसके लिए आपको पूरा सीरीज देखना पड़ेगा क्योंकि हमारे ट्रिप के जो लास्ट के 2 दिन है उसके लिए मैंने एकदम लेक के पास वाला होटल बुक किया है और वो थोड़ा लग्जरी होटल है, जिस वजह से हमें उदयपुर का लग्जरी भी एक्सपीरियंस करने का मौका मिलेगा। सो रूम के साथ साथ इनका रेस्टोरेंट भी काफ़ी अच्छा है, नीचे वाला रेस्टोरेंट भी अच्छा है और रूफटॉप वाला भी अच्छा है। मुझे इनफैक्ट नीचे वाला ज़्यादा अच्छा लगा, इनको रूफटॉप वाला ज़्यादा अच्छा लगा। बहुत सही है, रूफटॉप वाला व्यू भी बहुत अच्छा। और यहाँ से वो कौन सा पैलेस दिख रहा है तूने बोला? मॉनसून पैलेस। मॉनसून पैलेस भी ऐसे, अभी तो उसका लाइट भी ऑन हो गया, बहुत सही है और इसका वाइब बहुत अच्छा है। वाइब्स बहुत अच्छा है। यस, सो ठंडी इतनी ज़्यादा है और ऐसी ठंडी में मंचाओ सूप पीने का ना मज़ा ही कुछ और आता है। तो अभी सूप हमारा आ चुका है और अच्छा लग, टेस्टी लग रहा है। गाइस हम लोग का डिनर बहुत जल्दी हो गया, 7 बजे हम लोगों ने डिनर कर डाला। आपने देखा ही, हम लोगों ने पिज्जा, फ्रेंच फ्राइज, मसाला चाय और सूप पिया। दिखने में फूड अच्छा था बट फूड का टेस्ट ओके था। आई गेस हम लोग उदयपुर में है तो दाल बाटी वगैरह हम लोग क्रेव कर रहे हैं और वो हम लोग कल खाएंगे। आज का फूड ओके था, पेट भरने के लिए हम लोगों ने खाया और हम लोग का बिल अराउंड 1000 रुपीज आया। तो गाइस इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया रहेगा, अगर किया है तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और यहाँ पे बहुत ज्यादा ठंडी है इसलिए मैं फटाफट एग्जिट दे रही हूँ क्योंकि मुझे ठंडी बिल्कुल भी सहन नहीं होती। बाय वंडर्स।